हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में हम मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 9 की ग्रामर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है एन गा आरिमास वाकारिमास। एन गा सुकिदिस किराइदिस जोजुदिस हेतादिस, इन सब का यूज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रामर पॉइंट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, लेसन 6 में हमने पार्टिकल ओ पढ़ा था। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज मार्क्ड विद पार्टिकल ओ। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम ओ पार्टिकल का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। आई ड्रिंक जूस, मैं जूस पीता हूँ। इसको जैपनीज में बोलेंगे जूस ओ नोमीमास। ये हमने लेसन 6 में पढ़ा था ओ पार्टिकल का यूज। आई ईट ब्रेड, पान ओ थाबेमास, पान ओ थाबेमास। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब आरिमास वाकारिमास आर मार्क्ड विद गा। आरिमास और वाकारिमास जब यूज होते हैं, जब आरिमास और वाकारिमास वर्ब्स हैं, ये दोनों जब ये दोनों वर्ब्स यूज होते हैं तो गा पार्टिकल का यूज करते हैं। और जब एडजेक्टिव्स जैसे कि सुकी मतलब लाइक, किराई मतलब डोंट लाइक, जोजू मतलब गुड एट, एंड हेता मतलब बैड एट और हेट, जब ये वाले एडजेक्टिव्स यूज होते हैं तो इनके साथ भी गा पार्टिकल का यूज होता है। द वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स हुज ऑब्जेक्ट्स आर मार्क्ड विद गा आर दोज काइंड दैट डिस्क्राइब प्रेफरेंस एबिलिटी पोजेशन एंड द लाइक। जब हम किसी की प्रेफरेंस एबिलिटी और पोजेशन बताते हैं, जब प्रेफरेंस एबिलिटी और पोजेशन की बात करते हैं उस समय भी गा पार्टिकल का यूज़ होता है। अब ये तो थ्योरी है जो हमने पढ़ ली, अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा ये। आई लाइक इटालियन फूड, आई लाइक, ये आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं, तो जब प्रेफरेंस बता रहे होते हैं किसी चीज़ की तो गा पार्टिकल यूज़ होता है। तो आई लाइक इटालियन फूड होगा वाताशिवा इतारिया रियोरी गा सुकिदिस। वाताशिवा इतारिया रियो रीगा सुकिदिस। वाताशी मतलब आई, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, इतारिया इटालियन, रियोरी मतलब कुकिंग या क्यूजीन, गा पार्टिकल है, प्रेफरेंस बताइए इसलिए गा पार्टिकल का यूज हुआ है। सुकी मतलब टू लाइक, दिस मतलब है। वाताशिवा इतारिया रियो रीगा सुकिदिस, आई लाइक इटालियन फूड। आई अंडरस्टैंड जैपनीज, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो यहाँ पर, आई अंडरस्टैंड जैपनीज, ये आपकी एबिलिटी है तो इसमें भी गा पार्टिकल यूज होगा। वाताशिवा निहोंगो गा वाकारिमास, वाताशिवा निहोंगो गा वाकारिमास। वाताशी आई, वाई सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, निहोंगो जैपनीज, गा पार्टिकल, वाकारिमास टू अंडरस्टैंड। वाताशिवा निहोंगो गा वाकारिमास, आई अंडरस्टैंड जैपनीज। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, ये आप अपनी पोजेशन बता रहे हो। तो हमने पढ़ा था अपनी प्रेफरेंस एबिलिटी और पोजेशन बताने के लिए गा पार्टिकल का यूज होता है। तो आप पोजेशन एक बता रहे हो तो बोलेंगे वाताशिवा कुरुमागा आरिमास, वाताशिवा कुरुमागा आरिमास। वाताशिवा, अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आप समझ ही गए हैं। कुरुमा कार, गा पार्टिकल, आरिमास टू हैव और टू पोजेस। वाताशिवा कुरुमागा आरिमास, आई हैव अ कार। दोन्ना नाउन, हमने लेसन 8 में भी दोन्ना का एक यूज पढ़ा था। उसके अलावा दोन्ना का एक और यूज होता है, ये लिसनर से क्वेश्चन पूछने के काम आता है। टू नेम वन फ्रॉम अ ग्रुप विच द नाउन आफ्टर दोन्ना डिनोट्स, दोन्ना के बाद जो नाउन आता है उसमें से किसी एक चीज़ को पिक करने के लिए लिसनर से सवाल पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिसनर से पूछना है आपको कौन सा खेल पसंद है, वॉट स्पोर्ट्स डू यू लाइक। दोन्ना स्पोर्ट्स गा सुकी दिस का, दोन्ना स्पोर्ट्स गा सुकी दिस का, कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है। दोन्ना स्पोर्ट्स गा सुकी दिस का, वॉट स्पोर्ट्स डू यू लाइक। इसका आंसर है आई लाइक फुटबॉल,
फुटबॉल को बोलते हैं साक्का, साक्का गा सुकी दिस, साक्का गा सुकी दिस। गा पार्टिकल हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं। यहाँ पर जब प्रेफरेंस बताते हैं तो गा पार्टिकल यूज़ करते हैं, साक्का गा सुकी दिस। योकु दाइताई थाक्सान सुकोशी आमारी जिनजिन, ये सारे एडवर्ब्स हैं, ये सभी एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स वर्ब्स से पहले लगाए जाते हैं और इन इनकी यूसेज के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिससे इनकी यूसेज समझते हैं। जैसे वाकारीमास, वाकारीमास एक वर्ब है, इसके साथ अगर हम यूज़ करेंगे योकू, योकू वाकारीमास, मतलब वाकारीमास का मतलब होता है समझ आना, टू अंडरस्टैंड। योकू वाकारीमास मतलब मुझे अच्छे से समझ आता है, बहुत अच्छा आता है, मतलब मुझे ये हाईएस्ट लेवल डिनोट करता है वाकारीमास का। योकू ये एरो से भी ये बताया हुआ है, जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं ये हाई लेवल डिनोट करते हैं और इससे नीचे धीरे धीरे इसकी परसेंटेज कम होती रहती है आपकी अंडरस्टैंडिंग की। जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे योकू वाकारीमास, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। आप अगर बोल रहे हैं मुझे जैपनीज़ बहुत अच्छे से आती है, एकदम परफेक्ट आती है, तो आप बोलेंगे योकू वाकारीमास। अगर उससे थोड़ा सा कम आती है, मतलब हाँ आप काम चला लेते हो, ऑलमोस्ट 60-70% आती है, मैं अपना काम चला सकता हूँ, तो दाइताई वाकारीमास, दाइताई वाकारीमास। और थोड़ी बहुत आती है तो सुकोशी वाकारीमास। तो ये तीन लेवल हैं आपको डिग्री ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए। योकूस हाईएस्ट डिग्री है, दाइताई उससे थोड़ा कम और सुकोशी उससे भी कम। उसके बाद आ जाता है आमारी, आमारी सुकोशी से भी कम होता है और आमारी के साथ वाकारी मास की नेगेटिव फॉर्म लगती है, वाकारी मासेन। तो अगर आप बोलेंगे मुझे जैपनीज इतनी भी नहीं आती, इतनी भी नहीं आती, नेगेटिव हो गया ना ये सेंटेंस उस केस में, इसलिए यहाँ पर वाकारी मासेन लगाया हुआ है। इसका हिंदी में मतलब बनता है इतना भी नहीं आता ये मुझे, आमारी वाकारी मासेन, इतना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है पर इतना भी नहीं आता। और सबसे लोएस्ट लेवल होता है जेन जेन, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता, जेन जेन वाकारी मासेन, मतलब बिल्कुल नहीं आता। ये हो गया अपनी वाकारी मास के साथ ही लगता है डिग्री बताने के लिए। और उसके बाद कुछ और एडवर्ब्स हैं, थाक्सान सुकोशी, वो तो आप अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए योकू दाइता यूज़ कर रहे थे। अगर कोई काउंटेबल चीज़ है उसकी आपको बतानी है कि ज़्यादा है या कम है, जैसे कि पैसा है, पैसे को तो आप गिन सकते हो, काउंटेबल है, तो उसके साथ योकू नहीं बताते, आपको बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो योकू यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर, वहाँ पर थाक्सान यूज़ करेंगे। काउंटेबल चीज़ में डिग्री बताने के लिए थाक्सान यूज़ होता है, तो आपको अगर बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो थाक्सान आरीमास ये आप यूज़ करेंगे। उससे थोड़ा कम है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो सुकोशी, सुकोशी कॉमन है, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल चीज़ दोनों में ही सुकोशी यूज़ हो सकता है कि थोड़ा बहुत। आमारी आरीमासेन और जेनजेन आरीमासेन, ये आमारी और जेनजेन इन दोनों की यूसेज भी सेम है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये जो हमने सारे अभी एडवर्ब्स पढ़े हैं इनको एग्जाम्पल्स में यूज़ करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा ये। तो पहला एग्जाम्पल है, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से समझता हूँ। बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने एडवर्ब पढ़ा था योकू, वेरी वेल के लिए हमने एडवर्ब पढ़ा था योकू। तो ए गो गा योकू वाकारी मास, ए गो गा योकू वाकारी मास, I understand English very well। अगर यही आपको बोलना है I understand English a little, थोड़ी बहुत English समझता हूँ, तो ए गोगा सुकोशी वाकारी मास, ए गोगा सुकोशी वाकारी मास, थोड़ी बहुत English समझता हूँ। अगर आपको बोलना है कि इतनी भी English नहीं समझता, I don't understand English so well, इतनी भी कुछ खास नहीं समझता, तो ए गोगा आमारी वाकारी मासेन, ए गोगा आमारी वाकारी मासेन, इतनी भी इंग्लिश नहीं समझता मैं,
तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर, आमारी के साथ हमेशा नेगेटिव वर्ब आएगा, आमारी वाकारिमासेन। और आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो पैसा एक काउंटेबल चीज़ है, इसके साथ योकू या दाइताई नहीं लगेगा, इसके साथ लगेगा थाकसान। ओकानेगा थाकसान आरिमास, ओकानेगा थाकसान आरिमास, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आरिमास मतलब टू हैव, टू पोजेस। ओकानेगा थाकसान आरिमास, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बिल्कुल भी ना होने के लिए यूज़ करते हैं ज़ेन ज़ेन। तो सेंटेंस बनेगा ओकानेगा ज़ेन ज़ेन आरिमासेन, ओकानेगा ज़ेन ज़ेन आरिमासेन, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सुकोशी और ज़ेन ज़ेन जो होते हैं, अभी तक हमने देखा था ये सारे एडवर्ब्स वर्ब्स के साथ लगाए हुए थे, लेकिन इनको एडजेक्टिव्स के साथ भी लगा सकते हैं। इन दोनों को, सुकोशी और ज़ेनज़ेन को, एडजेक्टिव्स के साथ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। इट्स अ लिटिल कोल्ड हेयर, यहाँ पर थोड़ी ठंड है, तो यहाँ मतलब कोको, सुकोशी मतलब थोड़ी सी, सामुई मतलब सर्दी। कोकोवा सुकोशी सामुई दिस, कोकोवा सुकोशी सामुई दिस, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है। तो हमने देखा यहाँ पर सामुई एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ भी हम सुकोशी यूज़ कर सकते हैं। दैट मूवी इज़ नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, वह मूवी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो दैट मूवी मतलब आनो एगा, ज़ेन ज़ेन मतलब बिल्कुल भी नहीं, ओमोशिरो कुनाई इंटरेस्टिंग नहीं, दिस मतलब है आनो ए गावा ज़ेन ज़ेन ओमोशिरो कुनाई दिस, आनो ए गावा ज़ेन ज़ेन ओमोशिरो कुनाई दिस, वह मूवी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है कारा। कारा दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है, और जो सेंटेंस वन होता है वो सेंटेंस टू में जो आपने स्टेटमेंट बोली है उसका रीज़न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज़ आई डोंट हैव द टाइम आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो इसकी जैपनीज ट्रांसलेशन होगी, जिकान गा आरिमासेन कारा शिनबुन ओ योमिमासेन, जिकान गा आरिमासेन कारा शिनबुन ओ योमिमासेन। जिकान मतलब टाइम, आरिमासेन नहीं है, कारा रीज़न बताने के लिए यूज़ होता है, शिनबुन न्यूज़पेपर, योमीमास होता है टू रीड, उसकी नेगेटिव फॉर्म है योमीमासेन, डोंट रीड। तो जिकान गा आरिमासेन कारा, जिकान गा आरिमासेन, इसका मतलब है टाइम नहीं है। इसके बाद हमने लगा दिया कारा, तो हो गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और अगला सेंटेंस है शिनबुन ओ योमीमासेन, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। तो कारा लगाकर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। जिकान गा आरिमासेन कारा शिनबुन ओ योमिमासेन। यू कैन ऑल्सो स्टेट द सेंटेंस टू फर्स्ट एंड देन एड द रीज़न आफ्टर इट। पिछले सेंटेंस में हमने पढ़ा था, पहले हमने रीज़न बताया था, जिकान गा आरिमासेन कारा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है शिनबुन ओ योमिमासेन, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। हमने पहले रीज़न बताया था, बाद में जो हम काम कर रहे हैं वो बताया था। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, रीज़न बाद में भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। डू यू रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, क्या आप रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। माई आसा शिनबुन ओ योमिमास का, माई आसा शिनबुन ओ योमिमास का, माई आसा एवरी मॉर्निंग, शिनबुन न्यूज़पेपर, योमिमास टू रीड। माई आसा शिनबुन ओ योमिमास का, क्या आप रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नो आई डोंट बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम, ई ए योमिमासेन, नहीं योमिमासेन नहीं पढ़ता। जिकान गा आरिमासेन कारा, जिकान गा आरिमासेन कारा, टाइम नहीं है इसलिए।
ईए योमीमासेन जिकान गा आरिमासेन कारा, नहीं मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दोष्ते एक वर्ड है जो कि इंटरोगेटिव है, किसी से रीजन पूछने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं, और जब कोई उसका रीजन बताता है तो फिर कारा वर्ड का यूज करते हुए रीजन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, Why don't you read newspaper in the morning? हम interrogative sentence पूछ रहे हैं यहाँ पर, reason पूछ रहे हैं, तो use करेंगे दोष्ते आसा शिनबुन ओ योमीमासेन का, क्यों आप सुबह newspaper नहीं पढ़ते। दोष्ते मतलब why, आसा मतलब morning, शिनबुन मतलब newspaper, ओ योमीमासेन का, क्यों सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, जिकान गा आरिमासेन कारा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जिकान गा आरिमासेन कारा। दोष्ते दिस का अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसने कोई आपको बात बताई है, आप उसका रीज़न पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो दोष्ते दिस का ये तरीका है पूछने का। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई विल गो होम अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी घर जाऊंगा। क्यों वा हायाकू खायरिमास, क्यों वा हायाकू खायरिमास, क्यों टुडे, हायाकू early, खायरिमास to return home, क्यों वा हायाकु खायरिमास, आज मैं जल्दी घर जाऊंगा। दोष्ते दिस का, अब सामने वाला रीजन पूछना चाहता है कि क्यों। दोष्ते दिस का, because today is my child's birthday, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कोदोमोनो थांजो भी दिस कारा, कोदोमो नो थांजो भी दिस कारा। कोदोमो मतलब चाइल्ड, कोदोमो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, कोदोमो का मतलब होता है बच्चे। कोदोमो नो थांजो भी, बच्चे का जन्मदिन, बर्थडे को बोलते हैं थांजो भी। दिस है कारा, रीजन बताने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। कोदोमो नो थांजो भी दिस कारा। इस चैप्टर के सारे ग्रामर पॉइंट्स यहीं ख़त्म हो गए हैं। अब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उन सब की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू लाइक अल्कोहल, क्या आपको अल्कोहल पसंद है। ओसाके गा सुकी दिस का, ओसाके गा सुकी दिस का। ओसाके अल्कोहल को कहते हैं, सुकी मतलब टू लाइक। नो आई डोंट, ईए सुकी जा आरिमासेन, ईए सुकी जा आरिमासेन, नहीं मुझे नहीं पसंद है। इज मिस करीना गुड एट ड्राइंग पिक्चर्स, क्या मिस करीना पिक्चर्स बनाने में अच्छी हैं। कारीना सानवा एगा जोजो दिस का, कारीना सानवा एगा जोजो दिस का। ए मतलब पिक्चर या फिर ड्राइंग, जोजो मतलब गुड एट, कोई काम करने में कोई जब अच्छा होता है इंसान तो उसको जोजू बोलते हैं कि इस काम में अच्छा है, जोजू। करीना सानवा ए गा जोजू दिस का, क्या मिस करीना ड्राइंग करने में अच्छी हैं। यस शी इज़ वेरी गुड एट इट। हाई थोतेमो जोजू दिस, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोतेमो मतलब बहुत। हाई थोतेमो जोजू दिस, हाँ बहुत अच्छी हैं। Do you understand Indonesian, Mr. Thanaka? Mr. Thanaka, क्या आपको इंडोनेशियन आती है। Thanaka san wa Indonesia go ga wakarimasu ka, Thanaka san wa Indonesia go ga wakarimasu ka। Indonesia go मतलब इंडोनेशियन, wakarimasu मतलब to understand। Thanaka san wa Indonesia go ga wakarimasu ka, थानाकासान क्या आपको इंडोनेशियन आती है। नो आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आती।
बिल्कुल भी ना आने के लिए यूज करते हैं जेन जेन, ई ये जेन जेन वाकारिमासेन, ई ये जेन जेन वाकारिमासेन, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। डू यू हैव एनी स्मॉल चेंज, क्या आपके पास छोटे पैसे हैं, क्या आपके पास खुले पैसे हैं। स्मॉल चेंज को बोलते हैं कोमा का योकाने, खुले पैसे छोटे पैसे स्मॉल चेंज, कोमा का योकाने। कोमा का योकाने गा आरिमास का, गा पार्टिकल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पोजेशन की बात हो रही है। कोमा का योकाने गा आरिमास क्या, कोमा का योकाने गा आरिमास का, क्या आपके पास खुले पैसे हैं। नो आई डोंट, नहीं मेरे पास नहीं है। ई ए आरिमासेन, ई ए आरिमासेन। वाई डिड यू गो होम अर्ली यस्टरडे, कल आप घर जल्दी क्यों गए थे। दोशते किनो हाया कुखायरी माश्ता का, दोशते किनो हाया कुखायरी माश्ता का। दोशते मतलब वाई, किनो यस्टरडे, हायाकु अर्ली, खायरी माश्ता, ये खायरी मास की पास्ट फॉर्म है, खायरी माश्ता, गए थे का क्वेश्चन मार्कर। दोशते किनो हायाकु खायरी माश्ता का, क्यों कल आप जल्दी गए थे। खायरी मास मतलब घर जाने की बात हो रही है, क्यों आप कल जल्दी घर गए थे। बिकॉज आई हैड समथिंग टू डू, क्योंकि मुझे कुछ काम था। कुछ काम था को बोलते हैं योजी, कोई काम है अगर आपको उसको बोलते हैं योजी। योजी गा आरिमाश्ता कारा, क्योंकि मुझे कुछ काम था। योजी गा आरिमाश्ता कारा, आरिमाश्ता आरिमास की पास्ट फॉर्म है। योजी गा आरिमाश्ता कारा। आई लाइक कोरियन फूड, मुझे कोरियन फूड पसंद है। यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं तो गा पार्टिकल का यूज होगा। वाताशिवा खांग कोकुरियो रीगा सुखी दिस, वाताशिवा खांग कोकुरियो रीगा सुखी दिस। वाताशिवा आई, खांग कोकु कोरिया को कहते हैं, खांग कोकु रियोरी, रियोरी कहते हैं कुकिंग को, तो खांग कोकु रियोरी मतलब कोरियन फूड गा सुखी दिस, सुखी मतलब लाइक। वाताशिवा खांग कोकु रियोरी गा सुखी दिस, आई लाइक कोरियन फूड। मिस्टर सांतोस इज गुड एट सिंगिंग, सांतोस सिंगिंग में अच्छे हैं। किसी की क्वालिटी बतानी होती है तो उसका वर्ड होता है जोजू, जैसे हमने पढ़ा था अभी करीना सान पिक्चर्स में अच्छी है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी पर्टिकुलर स्किल में अच्छा होता है तो उसके लिए जोजू यूज करते हैं। सांतोस सानवा उतागा जोजू दिस, सांतोस सानवा उतागा जोजू दिस। उता मतलब सॉन्ग, सांतोस सान सिंगिंग में अच्छे हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा था करीना सान वा एगा जोजू दिस, करीना सान ड्राइंग में अच्छी हैं। आई अंडरस्टैंड हीरागाना, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो यहां पर तो गा पार्टिकल यूज होगा। वाताशिवा हीरागाना गा वाकारिमास, वाताशिवा हीरागाना गा वाकारिमास, आई अंडरस्टैंड हीरागाना। आई डोंट अंडरस्टैंड खांजी, मुझे खांजी नहीं समझ आती। यहां भी आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, आप काम को नहीं कर सकते किसी, तो गा पार्टिकल का यूज करेंगे। वाताशिवा खांजी गा वाकारिमासेन, वाताशिवा खांजी गा वाकारिमासेन, आई डोंट अंडरस्टैंड खांजी। आई हैव अ कैमरा, यहाँ पर आप पोजेशन बता रहे हो तो गा पार्टिकल यूज होगा। वाताशिवा कामेरा गा आरिमास, वाताशिवा कामेरा गा आरिमास। कामेरा इंग्लिश से ही इनहेरिट किया गया है वर्ड, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बस थोड़ी सी चेंज कर दी गई है जैपनीज साउंड्स के हिसाब से। कामेरा, कैमरा को बोलते हैं कामेरा। वाताशिवा कामेरा गा आरिमास, मेरे पास कैमरा है। आई एम बिजी सो आई कैनॉट गो एनी वेयर, मैं बिजी हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा। तो रीज़न बताने के लिए कारा यूज़ करते हैं। बिजी को बोलते हैं इसोगाशी, इसोगाशी दिस कारा, इसोगाशी दिस, ये एक सेंटेंस है मतलब बिजी हूँ इसोगाशी दिस।
दोकोमो इकिमासेन, कहीं नहीं जाऊंगा। इकिमास होता है टू गो, इकिमासेन उसकी नेगेटिव फॉर्म है। इकिमासेन मतलब टू नॉट गो, दोको मतलब, दोकोमो मतलब कहीं भी, दोको होता है कहाँ के लिए, और दोकोमो मतलब कहीं भी, दोकोमो इकिमासेन मतलब कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इसोगाशी दिस बिजी हूँ, दोकोमो इकिमासेन कहीं नहीं जाऊंगा। अब इन दोनों को हमने कारा से कनेक्ट कर दिया, इसोगाशी दिस कारा दोकोमो इकिमासेन, मैं बिजी हूँ इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ इसी चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर के सारे ग्रामर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और एग्जांपल सारे ग्रामर पॉइंट्स पर बेस्ड एग्जांपल्स कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक्स आप सामने देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने वो लिंक दिया हुआ है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें इसका। और कोई भी डाउट है अगर जापनीज से रिलेटेड या जापान के बारे में किसी चीज़ से रिलेटेड, या जापान में आपको घूमने फिरने के बारे में भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी सॉल्व हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग।